अगर आपको लगता है कि आज के दौर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नए वेब डेवलपर आ रहे हैं, ऐप डेवलपर आ रहे हैं, नए कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं, इस तरह जो है नए यूट्यूब के चैनल बन रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन में, ख़ास तौर पर ऑनलाइन फील्ड में जो है इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो आप क्या करेंगे? अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगी, और आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन में बहुत सारे लोग मायूस हैं कि हम क्या करें, क्या क्या होगा। लेकिन आज जो है हम जो है कुछ चीजें रिवील करने जा रहे हैं कि आप किस तरह जो है आप अपॉर्चुनिटीज निकाल सकते हैं, आपको हिम्मत नहीं हारनी, अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो है, तो आप अभी भी जो है ना आप जो है आपको जॉब मिल सकती है, आपको प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। तो ये rosy.pk है, rosy.pk को देखते हैं आप, rosy.pk में यहाँ सर्च बार में भी जॉब्स वगैरह फाइंड कर सकते हैं जो भी आपके रेलिवेंट फील्ड है। इस तरह ये जो है यहाँ पे जॉब्स आ रही हैं, ये iOS डेवलपर अभी रिसेंटली पोस्ट हुई है, इसके अलावा ये रिएक्ट नेटिव का डेवलपर चाहिए, ये वर्डप्रेस का डेवलपर चाहिए ने। अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये rosy.pk पे टेक से रिलेटेड जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये जॉब पड़ी हुई है, ये कॉल सेंटर से रिलेटेड पड़ी हुई है, ये रियल एस्टेट, ये हेल्थ केयर, तो रिसेंटली ये जो है ना जॉब इसमें पोस्ट हुई है। तो अब हम इसको देखते हैं टैक्स से रिलेटेड कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है। तो ये सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर .NET में चाहिए, ये उन्हें गेम डेवलपर चाहिए 40K में। इस तरह हम इसको नीचे करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो ये जो है ये कस्टमर सर्विसेज स्पेशलिस्ट, ये रिएक्ट नेटिव फ्रंट एंड डेवलपर। तो इस तरह ये जो वो जॉब हैं जो रिसेंटली, ये 17 फरवरी, ये 18 फरवरी, ये अभी रिसेंटली अपलोड हुई है। ये मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए, ये नीचे ग्राफिक डिजाइनर चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतने ज्यादा ग्राफिक डिजाइनर हैं, इतने ज्यादा .NET के डेवलपर हैं, तो फिर यहाँ पे जॉब, तो लोगों की भरमार है, लोगों के पास भी बहुत स्किल है, लेकिन उस लेवल की नहीं है जो कंपनी को रिक्वायर्ड होती है। तो मसला ये है कि आपके पास प्रॉपर स्किल हो, आपको आपके पास एक स्पेसिफिक स्किल में आप फोकस करें, आप अपनी स्किल लें, और इसके अलावा जो है अपना पोर्टफोलियो बनाएं और अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा शो करवाएं और अपने काम को हाईलाइट करें, ताकि क्योंकि एक जो है कंपटीशन जितना ज्यादा है उतना लोगों में स्किल नहीं है, लोगों के पास काम करना नहीं आता, इसलिए जो है अपॉर्चुनिटीज अब भी हैं, आपको मायूस नहीं होना। इसलिए आप पहले जो है आप अपने जो है जो भी आपका प्रोफेशनल है, आप वेब डेवलपर हैं, ऐप डेवलपर हैं, तो आप जो आपको अपने आप को जो है ना स्किलफुल करना है और अपनी अपनी को रेपुटेशन बिल्ड करनी है अपनी फील्ड के मुताबिक, और अपना पोर्टफोलियो, आपने ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है, आपकी जो भी फील्ड है उससे रिलेटेड इन सारी वेबसाइट के ऊपर आके आपने देखना है कि कंपनीज को क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, उसके मुताबिक अपने आप को जो है वो तैयार करना है। तो ये rosy.pk आप इसको मुकम्मल एक्सप्लोर करें, आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आप ये सॉफ्टवेयर, वेब डेवलपमेंट, ये सेल, बिजनेस डेवलपमेंट, ये क्लाइंट सर्विसेज, ये मार्केटिंग, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। तो हम जो है अगली वेबसाइट को देखते हैं, ये mustaqbal.com है। अब mustaqbal.com के ऊपर भी आप जो है फिल्टर लगा के आप इसमें भी रिसेंट जो भी अपॉर्चुनिटीज आई हैं, जो भी जॉब्स आई हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह सबसे जो बेहतरीन है प्लेटफॉर्म है वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन के ऊपर आके आप जॉब्स में आके आपको जो रिसेंट जो जॉब पोस्ट होंगी, आपके आपके कनेक्शन और जिस तरह आपका अकाउंट है उसके मुताबिक
ये जो है स्टैक डेवलपर सिस्टम में, ये कुछ सिस्टम इंजीनियर चाहिए, ये क्वालिटी से रिलेटेड बंदा चाहिए ने। तो इस तरह जो है ये लिंक्डइन के ऊपर भी आप एक्सप्लोर करें लिंक्डइन को भी। आगे हम जो है इंडीड पे आते हैं, ये इंडीड पे आप फिल्टर लगाएं लाहौर का और यहाँ पे आप फाइंड जॉब्स करें, तो आपको जो है जो जो भी रिसेंट उन्होंने पोस्ट की होंगी जॉब वो आपको जो है मिल जाएंगी। ये सारी वेबसाइट को आप एक्सप्लोर करें, ये careerjet.com है, जहाँ पे आप जो है फिल्टर लगाएं लाहौर का। आपको लाहौर में जो है जो भी रिसेंटली जो हेड ऑफ आईटी होने चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर चाहिए, ये UI/UX डिजाइनर चाहिए, इस तरह जो है आप jobby.pk पे आते हैं। तो ये देखें इसमें टैक्स में ये जॉब्स हैं, कंसल्टेंट, अकाउंटिंग, हेल्थ केयर, आर्किटेक्चर, कॉल सेंटर, इसमें जॉब्स पड़ी हुई। तो जॉब्स की अब भी भरमार है, लेकिन मसला ये है कि आप अपने जो है स्किल सेट को बढ़ाएं, आप अपने आप में जो है इम्प्रूवमेंट लेकर आए, अपना पोर्टफोलियो बनाए और आप जो है रिक्वायरमेंट पहले देखें कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या होती है। अगर आप वेब डेवलपर हैं, अगर आप एंड्रॉयड के डेवलपर हैं, तो आप कंपनी की रिक्वायरमेंट को देखें, फिर उसके मुताबिक जो है आप अपने आप को तैयार करें, अपने अपने काम को शो करवाएं, अपनी अपने स्किल सेट को शो करवाएं, तो आपको आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो इस तरह अपने आप को जो है प्रिपेयर करें कि जितना ज्यादा कंपटीशन है, जितने ज्यादा जो है कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन उतनी अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है। तो परेशान नहीं होना, आप जो है अपनी स्किल के ऊपर काम करें तो आपको जॉब्स मिलेंगी।